गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बथुए की रोटी बना रहे हैं। उसमें हम जो है पहले लिया हमने आटा, आप जो है 2 कप ले लीजिए, ठीक है, हमने 3 कप लिया है। और नमक डाल दें अपने हिसाब से। फिर जो है बथुआ हमने उबाल कर उसको पीस के हमने ये उबाल दिया है बथुए को, और उसको हम फिर गाढ़ा करने के लिए जग में डालेंगे। और फिर ये गाढ़ा हो गया ऐसे, हम मैं आपको आगे बता दूँ कैसे करना है। फिर ये हम जब पूरी तैयार हो जाएगी बथुए की रोटी, फिर इसको हम देसी घी और नमक वाइस, उम्मीद आप खैर से होंगे। आज हम बथुए की रोटी लेकर आए हैं। हमने जो है 3 कप के करीब आटा लिया है, अपने हिसाब से नमक डाल दिया, ठीक है। और फिर हमने बथुए का हमने उबाल दिया है पानी में, और अब जो है इसको ठंडा करने के बाद इसको गाढ़ा करना है। ग्राइंडर में पीसते रहेगा, जब ये पिस जाए तो फिर इसको आप इसमें ऐड करना है। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब हम ये बथुआ ऐड करे जा रहे हैं इसमें, और हमने ये 1/2 किलो के करीब लिया है। इसको पहले मिला देंगे, मिलाने के बाद बथुए की जो पानी बथुआ जिसमें उबालता उसी का पानी से हम इसको आटा गूंद देंगे इसका। ये देखें ऐसे हमने आटा गूंद दिया बथुए का, और सॉफ्ट भी। मैंने हम इस तरह हम बना रहे हैं लहसुन की और मिर्च की चटनी। आपको चटनी पीसने के लिए सबसे पहले जो है ग्लव जरूर पहन लेगा ताकि मिर्चें ना लगें आपके। और जो है हमने 8 से 10 मिर्चें ली हैं, साबे मिर्च 8 से 10 जवे लिए हैं हमने लहसुन के। और ये ज़ीरा ले रहे हैं, 1 टीस्पून ले लें आप ज़ीरा। और फिर इसको हम मैश पीसेंगे, इसको हम सिल में पीसने का जायका ही कुछ अलग होता है। पानी डालू ना? थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, चटनी पिस जाएगी। इसमें आप नमक अपने हिसाब से डाल देगा, बहुत स्पाइसी होती है ये और बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल पतली कर देनी है, सारी मिर्च को बिल्कुल पीस देना है, लहसुन सारी मिर्च बिल्कुल, देखें ऐसा हो जाएगी। अच्छा जी, हमारी चटनी तैयार हो गई है, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है जी। बथुए की रोटी जो है हमने बना रहे हैं। पेड़ा लेना है, पेड़े लेने के बाद उसको बेलेंगे आप, और फिर ये सेकेंगे। सेकने के बाद आप जो है देसी घी लगाइए, और गरम गरम खाने की होती है देसी घी, और देसी घी चटनी के साथ खाइए। हमने जो है देसी घी लगा दिया बथुए की रोटी में, और चटनी के साथ खाइए, खाइए मज़ा मज़ा लीजिए।